हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और आज मैं अभी अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं हूँ अपने बाड़ी में और देखो कितना मस्त बाहर में हवा भी चल रहा है। तो चलो वीडियो में आज का क्या क्या है देखने के लिए पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो अभी मैं जाऊँगी, अभी शाम का काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले धोएंगे बर्तन, तो चलो चलते हैं किचन में। उससे पहले आप देखो कितना मस्त मौसम बाहर का। तो पूरा ना बदली बदली टाइप का मौसम है आज का। तो चलो चलते हैं अब किचन में। तो अभी मैं आ चुकी हूँ हमारे आंगन में और यहाँ का देखो मोगरा कितना मस्त खिला है फूल। और बहुत दिन हो गया जब से फूल यहाँ इसमें खिलना शुरू हुआ, तब से इसमें बहुत ही सारा फूल खिल रहा था। मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा दूं। अभी आ चुके हैं हम किचन में और किचन में हमारा सिंक नहीं है, बर्तन धोने के लिए हमें नहाने में ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये देखो ये बर्तन रखने वाला है। तो चलो सारे जितने भी गंदे बर्तन हैं उसको इसमें डाल देते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे नहाने में बर्तन धोने के लिए। बर्तन धो लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो मैंने अपना बर्तन भी धो लिया और अपना हाथ मुंह भी धो लिया है और ये देखो मेरा बर्तन। चलो चलते हैं इसे लेकर किचन में। तो अभी आ चुके हैं किचन में और मैंने बर्तन रख दिया है साइड में, उसे अभी नहीं जमाएंगे क्योंकि अभी उसमें पानी है तो फिर पूरा जो हमारा बर्तन जाली है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसे सूखने के लिए साइड में रख देंगे। तब तक यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लेंगे और तैयार भी हो जाएंगे। उसके बाद फिर जब उस बर्तन का पानी निकल जाएगा उसके बाद फिर हम अपना बर्तन स्टैंड में लगा देंगे। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ रूम में और मैंने कंघी पहले कर लिया था, उसके बाद फिर घर का काम करना स्टार्ट की हूँ। तो कंघी वगैरह कर लिए हैं, फिर मैंने हाथ मुँह वगैरह धो लिया। अब यहाँ पे मैं एक मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा रही हूँ क्योंकि गर्मी है, फिर भी से ना अगर हाथ मुँह धोगे तो चेहरा बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लिया है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं हमेशा लगाती हूँ निव्या का मॉइस्चराइज़र क्रीम। और हल्का सा पाउडर लगा लूँगी, बस इतने में हो जाएगा शाम का हमारा सिंपल सा मेकअप। दादा है बाबू। तो फिर अंश ना अपने दादा के साथ चला गया है, उसके दादा आए थे अभी तो उसको पकड़े हैं और अब मैं करने जा रही हूँ कपड़ा फोल्ड। तो फाइनली मैंने यहाँ पे देखो सारा कपड़ा अच्छे से जमा कर पहले से रखा है, अब देखते हैं कितने दिन तक इसी तरह जम कर रहता है क्योंकि ना कपड़ा फोल्ड करना। सो गाइस, मुझे कपड़ा फोल्ड करना सबसे बड़ा काम लगता है, इसलिए मैं मतलब एक दिन दो दिन के बाद ही कपड़ा फोल्ड करती थी तो बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता था। तो मैंने सारा कपड़ा अच्छे से जमा दी हूँ, उसके बाद ये आज का कपड़ा है। तो अब मैंने सोचा है कि रोज़ का रोज़ मैं अपना कपड़ा फोल्ड करके रख दूँगी ना तो फिर उतना आलस नहीं आएगा जितना कि बहुत सारा कपड़ा को देख कर आता है। तो बस यहाँ पर एक दिन का थोड़ा सा बस रहता है कपड़ा, तो बस सारे कपड़े को जल्दी जल्दी से फोल्ड कर लेते हैं, फिर इसी तरह देखते हैं रोज़ जमाऊंगी करके सोच रही हूँ, कितने दिन तक जमा पाते हैं वो देखते हैं अब। तो बस इसी तरह मैं अपना सारा कपड़ा फोल्ड कर लूँगी। तो शाम का तो काम इतना ही रहता है बस झाड़ू पोछा बर्तन, और सुबह का काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है तो, लेकिन शाम का काम बहुत ही कम रहता है। तो बस इतना है काम मेरा, उसके बाद फिर मैं अगर कोई रहेंगे तो चाय वगैरह बना दूंगी, वरना अकेले रहती हूँ तो नहीं बनाती हूँ चाय।
और फिर रात का खाना। तो बस यही है मेरा आज का काम, यानी कि शाम का काम। तो ज़्यादातर सभी के यहाँ पे इतना ही रहता होगा काम। तो हमारा कपड़ा फोल्ड हो चुका है, तो अभी का काम ख़त्म हुआ। अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और लाइटिंग से आपको पता ही चल रहा होगा, क्योंकि बहुत अंधेरा अंधेरा सा आ रहा था, अच्छे से नहीं आ रहा था। तो अभी शाम का टाइम है और मैं दोपहर में ही चना भिंगा कर रखी थी स्प्राउट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा चना अच्छे से भींग चुका है। अब मैं इसको ना एक छन्नी में छान कर फिर से एक किचन टावल, जो मेरा साफ टावल है, उसमें अच्छे से लपेट के रख दूँगी, ताकि इसमें छोटा छोटा सा अंकुर निकल आए। और अगर निकल जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो बस इसको रख देते हैं, फिर सुबह इसमें टमाटर और प्याज वगैरह डालकर फिर इसे सुबह का हमारा नाश्ता बन जाएगा। तो देखते हैं, मैंने ऐसा ही देखा है कि वैसे करते हैं तो छोटा छोटा सा मतलब अंकुर निकल जाता है उसमें का, बट देखते हैं मेरा निकलता है कि नहीं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका वीडियो